ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा।